हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के पेपर का यहाँ पर संपूर्ण हल देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सभी को संपूर्ण हल कराने वाले हैं। आप कॉपी को देख सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का पेपर जो है 2024 में जो 4 मार्च को आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, उसका ये एक प्रकार का वायरल पेपर है। यहाँ पे आप सभी को पैसेज को ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से उसका आंसर निकालना और संपूर्ण पेपर का आप सभी को हल कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये पेपर का जो सेट है DK है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको ये प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे रोल नंबर आपका लिखना रहता है और यहाँ पे नाम लिखना रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आज का जो इंग्लिश का पेपर है, बहुत ट्रिकी माध्यम से आप सभी को सिखाने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे टाइम जो रहेगा 3 आवर 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और टोटल जो मैक्सिमम मार्क रहेगा 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जहाँ पे आप सभी को पहले से आप सभी को इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। सेम टू सेम यही इंस्ट्रक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम में आप सभी को मिलेगा। देखिए, पहला पॉइंट जो आपका रहेगा, इसमें जो 15 मिनट का जो समय मिलता है, इस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ने के लिए समय रहेगा, ठीक है। सेकेंड है कि ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, सभी क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है, यानी कंपल्सरी है। अगला है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, 2 पार्ट में बंटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। जो पार्ट ए होगा, इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, और प्रत्येक क्या होगा, एक एक नंबर का रहता है। अगला है कि जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे, OMR शीट पर हल करना रहता है। OMR शीट भरते समय आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार यदि OMR शीट भर दिए, तो उस पर आप किसी प्रकार का इरेजर व्हाइटनर या इस पर कट पिट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप OMR शीट को बहुत ध्यान से भरिएगा। पार्ट बी जो होगा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसे आप सभी को उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहता है। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका कितने नंबर का प्रश्न है आप सभी को इंडिकेट रहता है, मतलब दिखाया रहता है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आप 1 सेकंड के लिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कि आप इतने अच्छे ट्रिक बताने वाले हैं ना, कि आप उसको यदि मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करेंगे, ठीक है। देखिए, पार्ट ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि यहाँ पे पहले नंबर पे आपके पहला क्वेश्चन यही आपको मिल जाएगा कि एक पैसेज यहाँ पे देगा, इस पैसेज को पढ़ के आपसे इससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसका हिंदी भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देखिए कितना सटीक तरीका से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जब इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो देखिए आपको जो तरीका बताते हैं, उसी तरीका से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहले पैसेज को मत पढ़िएगा, इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आपसे पूछता है। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर देखिए कितना ट्रिक से आप निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आपका क्या है। देखिए, आपके सामने पहला नंबर का क्वेश्चन है उसी पैसेज से। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखिए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आपको इसका अर्थ नहीं जा रहा है, फिर भी देखिए कितना सटीक तरीका से आंसर निकालेंगे। अब चलिए पैसेज को देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने पैसेज है, और पैसेज में क्या क्या है आपसे, पैसेज में कहा है कि ओल्ड पीपल के बारे में बताया कि बेस्ट लाइफ क्या है। तो आप सिर्फ शब्दों को पकड़िएगा, देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ इस शब्द को पकड़िएगा, लिखा है कि बेस्ट पीपल ऑफ लाइफ। अब इस शब्द को पैसेज में खोजिएगा, पैसेज में है कहाँ पे। देखिए, पैसेज में देखेंगे तो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ यहाँ पे है ना। अब इस पूरे वाक्य को पढ़िएगा, और यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला शब्द आपको ऑप्शन मिलेगा, चाइल्डहुड। क्या मिलेगा, चाइल्डहुड। चलिए आपको दिखाते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ये आपके सामने जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे चाइल्ड
नोट लिखा है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आपको आंसर भी मतलब पैसेज के हिंदी भी नहीं जा रहे हैं, कितना सटीक तरीका से जान गए आंसर। और ये आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, आपको बिना हिंदी जाने भी आंसर निकाल ले रहे हैं तो ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। दूसरा देखिए, टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीन। अब देखिए आपको क्या करना है, इस शब्द को खोजना है, मतलब इस पूरे जो शब्द लिखा इसको उस मतलब जो पैसेज दिया उस पर खोजिएगा और देखिएगा किसके बारे में क्या कहा गया है। चलिए इसको खोज के आपको बताते हैं। देखिए आप पैसेज पढ़ते चले आइएगा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज पढ़ते चले आएंगे तो चाइल्ड्स क्या लिखा था, चाइल्ड्स ट्रबल्स सीन। देखिए यहाँ पर देखिए आप लिखा है चाइल्ड्स ट्रबल्स सीन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना। अब देखिए ये जो चाइल्ड ट्रबल सीम है, अभी इसके बारे में किसने कहा था, देखिए जहाँ पे पढ़ेंगे फादर फादर, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका फादर है, यानी कि इस वाले वाक्य को किसने कहा, फादर ने कहा है। तो ऑप्शन में जहाँ पे फादर लिखा होगा वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन था ये वाला कि चाइल्ड ट्रबल सीम, तो देखिए चाइल्ड ट्रबल सीम के बारे में बताएं, आप खोजें तो देखिए उसमें मदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाला नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। आपको जो मिल रहा है बार बार टू ए फादर, यानी फादर मिल रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर देते समय ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इंडलेस। अब देखिए इसका अपोजिट बताना, अपोजिट मतलब होता है कि विपरीत शब्द बताना है। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या होगा कि आप अर्थ जानेंगे तभी इसका आंसर आप सटीक दे सकते हैं। यहाँ एंडलेस का मतलब होता है जिसका अंत न हो, अर्थात उसे क्या कहते हैं, अनंत। अब अनंत का विपरीत शब्द क्या होता है, तो अनंत का विपरीत होता है अंत, जिसका अंत हो, न निश्चित हो। तो अब देखिए इसमें निश्चित किसका, देखिए कंटिन्यूअस मतलब होता है रेगुलर चल रहा है, स्पीडी मतलब दौड़ना, और टायर्डनेस मतलब थका हुआ, जो थकता नहीं हो, टायर्डनेस मतलब क्या होता है, जो थकता नहीं हो। लेकिन अनंत मतलब क्या होता है, मतलब कि इंडलेस मतलब होता है हिंदी अनंत, इसका क्या हो जाएगा, फिनिट मतलब होता है निश्चित या अंत, इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका देखिए इस जो लिखा है शब्द इसका आपको हिंदी जान मतलब इसका हिंदी जानेंगे तभी आप इसका निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपको ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए चौथा नंबर का जो है, चिल्ड्रेन डॉट 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 टू अटेंड द प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, हैड गॉन भर सकते हैं, विल गो विन। देखिए जब इस तरह ऑप्शन मिले तो इसका आप यहाँ पे चिल्ड्रेन के साथ हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम भर सकते हैं, चिल्ड्रेन के साथ विल गो भर सकते हैं, चिल्ड्रेन के साथ वेंट भी भर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर का, द थिंक डैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबॉडी इज कॉल्ड, यानी कि इसको एक शब्द में क्या कहते हैं इसको आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट, थिंग डैट बीन क्रिएटेड समबॉडी, मैंने कुछ के द्वारा, इसका हिंदी हो जाएगा कुछ के द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, मतलब नया बनाया जा रहा है। जब कोई चीज़ आप नया बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं, मतलब खोज कहते हैं, इन्वेंशन। इसका सही जवाब क्या होगा, इन्वेंशन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं आपके सामने 6वां नंबर का, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए जब इस तरह आपको अलग अलग शब्द देता है और मीनिंगफुल बनाता है, देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले नंबर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर शब्द रहता है तो वो आता है। तो पहले नंबर तो आप सब्जेक्ट ही खोजिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, संडे ऑन ही ईच कर्च टू गोज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या होता है, ही। अब ही देखिए कहाँ पे थे, ही यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसी तरह हट जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ ही के बाद आपका आना चाहिए वर्ब, अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ पे थे, गोज। अब देखिए ही के बाद आएगा गोज, अब देखिए गोज किसके साथ, इसके साथ तो है नहीं, तो आप गोज किसके साथ है, इसके साथ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला था। देखिए आपको क्या करना है, इसका हिंदी भी नहीं जानना है, ट्रिक से कैसे लगा रहे हैं इसी तरह आपको ट्रिक से सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए दोस्त एक चीज़ बता दें आप सभी को कि हो सकता है बताने में आपको समय लग रहा है, लेकिन एक बार ये समझ जाएंगे ना तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकालना समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सातवां नंबर का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें बताना है कि किसका स्पेलिंग आपको इसमें क्या है कि गलत है, मतलब ना गलत बताना है। देखिए यहाँ पे ये वाला है कि मिलिट्री, ठीक, टेम्पोरेरी, अगला है कि ऑर्डिनरी, फिर इसके बाद क्या है कि सेंचुरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे मिस स्पेल्ड, टेम्पोरेरी आप याद किए होंगे मीनिंग में तो ये सही है, मतलब कि टेम्पोरेरी की स्पेलिंग सही है, ऑर्डिनरी का स्पेलिंग सही है, सेंचुरी की स्पेलिंग सही है, लेकिन मिलिट्री की स्पेलिंग क्या है आपका गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड पूछा है, तो मिस स्पेल्ड कौन सा है इसमें से है, मिलिट्री है, यानी कि इन सब में आपका अलग कौन सा है, तो मिलिट्री आपका क्या है अलग है, ठीक है। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सात आठवां नंबर का, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अब देखिए पॉइंटेड के बाद क्या होता है, पॉइंटेड के बाद जो मिस्टेक दिया हो तो टीचर क्या कर रहा है कि मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉइंटेड आउट होता है, क्या होता है पॉइंटेड के बाद क्या लगता है आपका आउट लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका पॉइंटेड के बाद आपका आउट लगेगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर आगे आपका पैसे से संबंधित क्वेश्चन, अब देखिए पैसे से जो संबंधित क्वेश्चन होता है उसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, अभी आप सभी को ट्रिक समझाए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि आपको हिंदी जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना हिंदी जाने भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और ये जो पैराग्राफ दिया है आपका ये बुक से दिया है, यदि बुक आप पढ़े रहेंगे तो आप तो और सिंपल तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप बुक नहीं पढ़े, इसका हिंदी भी आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आप शब्दों को पकड़ के आंसर कैसे निकालेंगे बस देखते रहिए। नौ नंबर का क्वेश्चन है कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हीज ब्रदर एंड सिस्टर वियर, अब यहाँ शब्द पकड़िए और इस पैराग्राफ में खोजिएगा ब्रदर और सिस्टर कहाँ पे दिया है, तो देखिए बट देम आई स्लोली सा डेट नॉट वल्ली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए ब्रदर आ गया सिस्टर आ गया, इसके बाद वा वेयर है, वेयर के बाद क्या लिखा है नॉट फ्री, अब इस ऑप्शन में नॉट फ्री खोजिएगा, देखिए इसमें तो नॉट फ्री है नहीं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, प्लेइंग नहीं लग सकता है, ये भी नहीं लग सकता है, नॉट फ्री कहाँ पे, देखिए नॉट फ्री इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप हिंदी भी नहीं जा रहे हैं, आप शब्दों को पकड़ रहे हैं क्वेश्चन से और उसका पैराग्राफ से आंसर आसानी से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दसवां नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ट्रिक से निकलेगा बस देखते रहिए, मिस्टर मंडेला ज्वाइन टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन, अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका पहले शब्द खोजी, अफ्रीकन नेशनल ये शब्द खोजी कहाँ पे दिया है पैराग्राफ, चलिए देखते हैं, जब पैराग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं पैराग्राफ यहाँ से पढ़ते चले आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक पढ़ते चले आए पूरा पढ़, देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये लिखा है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब इसमें देखिएगा कि जो यहाँ पे पूछा है आपसे जो ऑप्शन, ये ऑप्शन जो वाक्य लिखा है कहाँ पे दिया है, देखिए ही फाउंड ही वाज फ्री, यहाँ पे देखिए ये वाला वाक्य कहीं पे नहीं मिलेगा, खोज के देख लीजिएगा, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, जेल वाला शब्द मिलेगा ही नहीं, ये जेल नहीं मिलेगा तो ये तो हो नहीं सकता है, ही फाउंड डेट ही वाज अनसक्सेसफुली, ये भी आपको अनसक्सेसफुली शब्द नहीं मिलेगा तो ये तो हो नहीं सकता है। अब अगला देखिए, ही फाउंड डेट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम एवरी वन हु लुक लाइक हिम कल्चर, अब देखिए ये शब्द पकड़िए, अभी पढ़ रहे थे तो आप सभी को मिला था माई फ्रीडम कर्टेल्ड बट ही फ्रीडम एवरी वन, देखिए पूरा वाक्य यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये पूरा वाक्य जो बोला है ना, ये पूरा वाक्य इसमें खोज लिया, पूरा वाक्य यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप इन प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीका से लगा लेंगे, जो बता रहे बस तरीका आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया 11 नंबर का, ऑन द पोडियम खाली स्थान वाज फर्स्ट अवॉर्न इन ए सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट, यानी ड्यूटी प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, बुक पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं, थाबो यम बुक किए है, नेल्सन मंडेला है, जेनानी है, मिस्टर डे क्लर्क है, यहाँ पे इस पढ़े होंगे तो इसका क्या सही था, प्रेसिडेंट के बारे में किसने सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे मिस्टर डी क्लर्क थे, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का ही है, जो बुक का है बुक से बताएंगे, क्वेश्चन जो आपके ग्रामर से पूछता है वो ग्रामर का आपको बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड स्वैन, ठीक है, ये पढ़े होंगे आप, इसका ऑप्शन क्या होगा, सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, फादर होगा या ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप द पोएम वाज अबाउट मदर डक एंड मदर क्या बताता है, फादर क्या बताता है, यहाँ पे फादर स्वान के बारे में बताता है, इसका सही जो फादर वाला होगा। अब फादर देख लिया ऑप्शन में कहाँ है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, अब यहाँ पे बताना है कि गोवा में हमारे जो बच्चे के दौरान, ठीक है, ये वाक्य ये भी आपके बुक का है, यदि आप पढ़ेंगे तुरंत सटीक आंसर निकाल लेंगे, किसने कहा था, टीचर है, गाइड है, हेल्पर है या फ्रेंड है, ठीक है। देखिए इसको ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड किसने कहा था, गाइड के बारे में कहा गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बुक का आपका है, बुक पढ़ेंगे तो आप सटीक आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर वो पैसेज से आपका आ गया, ठीक है, अब इसको पढ़ के इसका आंसर कैसे निकालेंगे आपको बताने वाले हैं, बस देखते रहिए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका बुक का ही है, ये किसका है, बुक में से ये पैराग्राफ पूछता है आपसे। देखिए यहाँ पे दिया है सम से द वर्ड विल इन फायर, आपको इसकी हिंदी जानने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पे आइए फिर पैराग्राफ में उन शब्दों को खोजिएगा। आपके सामने है कि सम पीपुल से डैट द वर्ड विल इंड इन, अब इसमें खोजिएगा कि वर्ड विल इंड कहाँ पे दिया है, जब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए रहेंगे तो देखिए वर्ड विल इंड, अब देखिए आगे क्या लिखा है, इन फायर, क्या लिखा है यहाँ पे, इन फायर, देखिए यहाँ पे इन लिखा, इन के बाद कौन सा शब्द मिल रहा है, फायर ना। अब ऑप्शन में देखिए फायर कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन में देखेंगे आप यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में लिखा है फायर, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसका हिंदी भी नहीं जा रहे हैं, कितना सटीक तरीका आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर देखिए आप 15 नंबर का, कि व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड, होल्ड हियर, यानी यहाँ पे बताना है कि होल्ड का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है होल्ड, देखिए होल्ड यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, देखिए होल्ड यहाँ पे लिखा है, होल्ड के बाद आपका विथ दोज हु फेवर, फेवर फायर, यहाँ पे देखिए होल्ड का आपका अर्थ क्या होगा, तो होल्ड का अर्थ होता है सपोर्ट, क्या होता है, होल्ड का अर्थ सपोर्ट होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही अर्थ बताना है, तो होल्ड का क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे 16 नंबर का है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, ना स्वयं को कहाँ पाया, ये आपका बुक का ही है, बुक का क्वेश्चन है, बुक पढ़ेंगे तुरंत आंसर दे देंगे। देखिए यहाँ पे दी आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है, ही थीफ फाउंड हिमसेल्फ, यानी स्वयं को कहाँ पाया गया था, प्लेटफॉर्म पर पाया गया था, तो क्या होगा, ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर का, व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ठीक है, बुक का ये भी क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखिए, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द ट्री, अनिल हैड डिसीव हिम, ठीक है, इसका आपका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि अनिल हैड मेड द टी, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए 18 नंबर का, कि ग्रिफिन स्वॉल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया रेड, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, फ्लेक्सिबल, कैसा होना चाहिए, तो इसका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट था, क्या कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट के बारे में कहा गया था, ये भी आपके बुक का है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर का, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, ठीक है, तब इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये भी आपका बुक का है, तो ये हो जाएगा अहेड, क्या हो जाएगा, अहेड, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का देखिए, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वॉन्टेड, ठीक है, तो इसका सही, देखिए ये भी आपका बुक का ही है, क्या है, बुक का है क्वेश्चन, ठीक है,
देखिए इसका क्या हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी, क्या हो जाएगा सही जवाब, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए आपके सामने स्टार्ट होता है पार्ट बी। अब यहाँ से रीडिंग देगा, पैसेज देगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये पैसेज जो रहेगा आपका सात नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, शब्दों को पकड़ के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक आंसर भी आपको लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इस पैसेज को पढ़िएगा मत पहले, ठीक है। पहले आंसर पे आइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का है और एक नंबर का, टोटली सात नंबर का क्वेश्चन रहता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसका अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि किंग ऑफ ग्रीस कहाँ पे लिखा है, तो ग्रीस, तो देखिए आप यहाँ पे चले आइए और वाक्य को पढ़ते चले जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो दियर वाज ए किंग इन ग्रीस। देखिए किंग इन ग्रीस के बारे में दे दिया ना यहाँ पे। ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देना है। अब किंग ऑफ ग्रीस आपको मिल गया आंसर देना है, तो आप आंसर कहाँ से देंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक आप पूरा लिख दीजिएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा। अब पूरा टोटल दो नंबर मिल जाएगा। देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो देखिए जिस प्रकार से कापी आपको लिखें इसी तरह इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपका जब ये पार्ट बी है तो यहाँ पर पार्ट बी लिखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 21 ए, मतलब ए वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए, और यहाँ पे लिखिएगा आंसर, और जो वाक्य बोले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार दीजिएगा, तो आप यहाँ पे उतार सकते हैं। चलिए देखिए लिखे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो दियर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, ठीक है। बस यहाँ तक लिख देंगे तो आपको पूरा इस पर दो नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस आप कापी लिखते समय बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप उस कापी पर ज़्यादा काट पीट ना करने का प्रयास मत कीजिएगा। साफ़ सुथरा यदि लिखते हैं तो एग्जामिनर तुरंत नंबर देता है, आगे बढ़ जाता है, और जैसे लिखे हैं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर यहाँ से देना था तो पहले का जैसे बताएं इसी तरह सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, तो हु वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब यहाँ बी वाला, तो अब यहाँ पर शब्द खोजिएगा फेरेस्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा कहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर जब यहाँ तक दे दिए हैं तो अगला क्वेश्चन का जब आंसर देना होगा तो इसके आगे ही मिलेगा। यहाँ पर लिखा है द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट बट द थर्ड वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, थर्ड वाला सबसे। अब देखिए इसका आंसर जैसे आपको देना है, देखिए फेरेस्ट ऑफ ऑल मिला, यहाँ पर मिल गया फेरेस्ट ऑफ ऑल। अब क्या कीजिए कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वाक्य को लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाक्य को लिख देंगे, आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन इसका सटीक आंसर देखिए आपको लिख के बताएं कि यहाँ पे इसका सटीक आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर साइकी वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, यानी साइकी जो था सबसे, मतलब उसमें फेरेस्ट थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देते हैं तो आपका आंसर नहीं गलती होता, आपको बार बार बता रहा हूँ, बस इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर इस पर मिलेगा। देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि व्हाट डिड साइकी प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस। अब गॉडेस ऑफ ग्रीस खोजिएगा, जहाँ पे मिलेगा उसके आगे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। गॉडेस ऑफ ग्रीस मतलब देखिए यहाँ तक आंसर दे चुके हैं तो इसके आगे पढ़ते चले जाइएगा। जब इसके आगे पढ़ते चले जाएंगे आप शब्द को खोजिएगा गॉडेस ऑफ ग्रीस लिखा कहाँ पे है, तो यहाँ पे पढ़ते चले जाएगा। देखिए यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो गॉडेस ऑफ ग्रीस लिखा है, तो आप क्या कीजिएगा इसका आंसर देना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और स्टार्ट करने के बाद आप वाज एंग्री विथ हर, सी वाज जीलियस ऑफ हर ब्यूटी, सी कॉल्ड साइकी टू हर प्लेस, ठीक है, एंड आस्क्ड हर हाउ ओल्ड आर यू, साइकी आंसर्ड ग्रेट गॉडेस आई एम ए 19, ठीक है। तो आप इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक देंगे, तो इसका आंसर यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरा यहाँ तक लिख देंगे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो साइकी के बारे में कहा, ये सब किसके बारे में कहा, साइकी के बारे में, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 का सी डालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आंसर, लिखने के बाद साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू, विल यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू,
पूरा ये इस प्रकार से लिख देंगे, पूरा इस पर दो नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे, दो नंबर इस पर मिला आपको, दो नंबर इस पर मिल जाएगा, दो नंबर इस पर, चार नंबर और छः नंबर इसी प्रकार से आपसे मिल जाएगा। अब अगला नंबर का देखिए डी वाला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन अनअट्रैक्टिव। अब इसका अर्थ जानते रहेंगे तभी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अनअट्रैक्टिव मतलब होता है जो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता, मतलब जो दूसरे को पसंद नहीं है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, तो भद्दा या बदसूरत होता है, भद्दा या बदसूरत, भद्दा या बदसूरत का इंग्लिश क्या होता है, अगली होता है। इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में मीनिंग, अनअट्रैक्टिव इंग्लिश में मीनिंग होगा अगली, क्या होगा अगली होगा, क्या होगा अगली, इसका क्या हो जाएगा अगली होगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे। देखिए आप बोर्ड के एग्जाम में लिखना होगा तो यहाँ पर डालिए क्वेश्चन नंबर 21 का डी और आंसर लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिर्फ अगली, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो जैसे बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में यदि लिखते हैं तो टोटल इस पर 7 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर जो है 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ राइटिंग से संबंधित है 22 नंबर, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि आपको यहाँ पे कह रहा है एक लेटर लिखने के लिए, और किस पे लेटर, अपने बड़े भाई को एक लेटर लिखिए जिससे आपको क्या करना है कि अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 10,000 रुपया आपको जैसे मंगाना है लेना है, तो आपको एक लेटर लिखने का तरीका आपको लिखना है। या इसके अलावा अथवा में करके दिया रहता है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको कि एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लिखना किस पे है कि आपको एक अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि अपने कॉलेज में जो है एक लाइब्रेरी खुलवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको एप्लीकेशन लिख के यहाँ पे बताते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। देखिए आपको एप्लीकेशन यदि लिखना है तो पहला नंबर तो कैसे कॉपी पे लिखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और देखिए ओ आर वाला करना है, जैसे ओ आर वाला ये है, इसको करना है तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा ओ आर और यहाँ पे लिखिएगा आंसर, यहाँ पे लिखिएगा जब से आपको एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, या लेटर लिखना रहेगा तो पहले ऊपर लेटर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है किस प्रकार से लिखेंगे, इसका एक पैराग्राफ होता है, इसी पैराग्राफ में आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पे लिखेंगे टू, और टू लिखने के बाद आपको थोड़ा सा स्थान एक लाइन, मतलब एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम या कोई भी कॉलेज का नाम यहाँ डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे GCIC इंटर कॉलेज आगरा, आप कोई दूसरा कॉलेज है तो दूसरे कॉलेज का नाम और सिटी का नाम डाल सकते हैं वहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है उसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के बारे में लिखना है, लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, फिर लाइन छोड़ के आपको सर लिखना होगा, तो कहाँ से लिखेंगे, जहाँ टू है इसके सीधे में यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, सर लिखेंगे। सर लिखने के बाद अब जैसे स्टार्ट करना है वाक्य को, तो जहाँ से द स्टार्ट किए इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इसी पैराग्राफ में यदि आप लिखते हैं तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखिएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट दियर इज लाइब्रेरी इन अवर कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर इसके बाद देखिए आप लाइब्रेरी के बारे में बता दिए, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है और लाइब्रेरी का कुछ महत्व बता दिए। फिर इसके बाद देखिए दियर फोर आई रिक्वेस्ट यू प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सीजन, ठीक है। अब यहाँ जैसे वाक्य कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से लाइन छोड़ के यहाँ से कोने में एक साइड लिखिएगा योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, जैसे आपको नाम नहीं लिखना है तो एक्स वाई जेड ABCD PQ कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। क्लास 10 का तो क्लास X लिख दीजिएगा यहाँ पे, और बगल में आप जिस डेट को आपका पेपर रहेगा वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, पूरा एप्लीकेशन लिखने का एक पूरा एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप याद रखिए, और इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन लिखना रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए आपके सामने 23 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बीजी मार्केट, एक बीजी मार्केट पे आपको अपने शब्दों में रिपोर्ट लिखना है, वो कितने शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में, ये 6 नंबर का रहता है। यहाँ पे इसके हिंट्स दिए रहते हैं, हिंट्स मतलब होता है यही हेडिंग के तौर पे बना के इसके बारे में कुछ लिखना रहता है, जैसे इट्स नेम एंड डेकोरेशन ये हेडिंग बनाइएगा, फिर गुड्स बनाइएगा,
कस्टमर बनाइएगा हेडिंग, ट्रैफिक बनाइएगा, इट्स इम्पैक्ट बनाइएगा, योर सजेशन बनाइएगा। ये हेडिंग बना के इसके बारे में आप इंसुआ मतलब कि आप इसके बारे में कुछ शब्द लिख देंगे और कितना होना चाहिए 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए और ये पूरा टोटल 6 नंबर कराता है। या इसके आर दिया है या ए नहीं लिख पाते हैं तो इसके अलावा आपको आगे देता है राइट एन आर्टिकल आने बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पार्टी पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, यह भी कितना 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। कीप इन माइंड फॉर द फॉलोइंग पॉइंट, यानी अपने माइंड में इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। कहने का मतलब कि आप हेडिंग बना सकते हैं हुज बर्थडे पार्टी इट्स वाज, ये हेडिंग बनाएगा इसके बारे में कुछ शब्द लिख दीजिएगा। टाइम एंड प्लेस के बारे में, यानी कहाँ पर आपको बर्थडे बनाया जा रहा, कितने टाइम को मनाया जाएगा, इसको अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा उसके बारे में कुछ, सेलिब्रेशन लिख दीजिएगा, योर इम्प्रेशन अपना इम्प्रेशन उस पर जमा दीजिएगा, बता दीजिएगा। ये आपको हेडिंग पहले से दे देता है तो इस पर क्या नाम है आर्टिकल या रिपोर्ट लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। हेडिंग बनाए उसके बारे में दो लाइन अपने शब्दों में इंग्लिश में लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ अपने शब्दों में लिख दीजिए इसके बारे में, ठीक है। इस तरह लिख देंगे तो आपका पूरा टोटल 6 नंबर इस पर मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने देखिए ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन 24A, rewrite the following sentence by changing into indirect speech। अभी देखिए इसका आंसर आप कैसे बोर्ड के एग्जाम में देना है, इसका हल क्या होगा आपको सभी को बता देते हैं। देखिए इस तरह ही आप क्वेश्चन नंबर देखिए डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 24A, आंसर लिखिएगा। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो इनडायरेक्ट स्पीच ब्लैक पेन या स्केच से लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे है कि द टीचर सेड टू मी, जब सेड टू मी रहता है तो इसको किस में बदलेगा, टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड यानी द टीचर टोल्ड मी। और ये इन्वर्टेड काम हटाने के लिए क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। योर ड्यूटी है तो योर जो होता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ये चेंज हो जाता है, तो मी के अनुसार जो होता है योर के जगह क्या लग जाएगा, माई लग जाएगा, माई ड्यूटी हो जाएगा, माई ड्यूटी। इच के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। टू टेक केयर ऑफ योर, फिर योर आ गया तो योर किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, यहाँ क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहते हैं। देखिए अब सेड टू लिखा रहेगा तो इसको टोल्ड में बदल दिएगा, ठीक है। इन्वर्टेड काम हटाने के लिए डैट लगता है। योर जो चेंज होगा मी के अनुसार होगा तो माई हो जाएगा यहाँ पे। इस के जगह पे होता है तो इसका वाज में चेंज कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योर है तो योर आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार या मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ भी माई हो जाएगा। देखिए इसका सटीक आंसर आप लिखेंगे कैसे, सब बता दिए आपको। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखिएगा द टीचर टोल्ड, देखिए टोल्ड हो गया मी डैट, यहाँ पर माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही ये आप लिखेंगे टोटल इस पे दो नंबर देकर टीचर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है और कैसे इसको लगाएंगे, बी वाला। देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस बदलना है तो कैसे बदलेंगे। देखिए पैसिव वॉइस बदलते समय आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे द लायन है ना, द लायन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, ये द लायन पहले हो जाएगा, द लायन स्टार्टिंग में लिखेंगे द लायन। ये देखिए आपका किस में है तो पास्ट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, द लायन वाज, क्या लगा देंगे, द लायन वाज। ये आपका थर्ड फॉर्म में ये है शॉर्ट होता है शॉर्ट बाई, क्या लगाएंगे, बाई की बाइकिंग है तो बाइकिंग हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे आप बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 24 लिखिएगा, बी वाला करें तो क्वेश्चन बना के बी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आंसर और पैसिव वॉइस में बदलें तो यहाँ पैसिव वॉइस लिख के द लायन वाज शॉट बाय द किंग, जैसे बताएं उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है सी नंबर का, ये भी आपका दो नंबर का रहता है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी पंक्चुएशन लगाना है तो पंक्चुएशन लगाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए राकेश का पहला जो नाम रहता है उसका पहला लेटर किस में रहता है, कैपिटल में, तो यहाँ पे हो जाएगा राकेश। सेड टू है तो सेड टू रहेगा, सेड टू, और श्याम है तो कैपिटल यस ए एम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। फिर कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामा लगाइएगा, यही सब ध्यान देना है। इस पर यदि सही से लिख दिए इसको तो पूरा नंबर मिलता है। इन्वर्टेड कामा के बाद पहला लेटर आएगा कैपिटल में आएगा तो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वी है तो वी तो जैसे के तैसे रहेगा, स्टील है तो स्टील अपने जैसे लिखा है उसी तरह, अवे भी इसी तरह रहेगा, अवे फ्रॉम द सिटी जैसे लिखा है सिटी लिख दीजिएगा। और देखिए यह है आपका इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा और लास्ट में इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। इस तरह लिखेंगे पूरा इस पर दो नंबर मिलेगा, बस इतना ही लिखेंगे तो पूरा दो नंबर आपको मिल जाता है। देखिए आप कैसे बोर्ड के एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा, सी वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे सी डालिएगा। यहाँ लिखिएगा पंक्चुएशन, यहाँ पे लगा रहे हैं पंक्चुएशन। देखिए आपको यही बताएं, लिखिएगा राकेश, पहला लेटर हमेशा नाम जो रहता है उसका पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, राकेश से टू श्याम। देखिए श्याम में यस एच यहाँ पे रहेगा ना, तो आपको काट पिट नहीं करना है, यहाँ यस एच रहेगा, क्या रहेगा श्याम। तो राकेश से टू श्याम कामा लगाएगा, फिर इन्वर्टेड कामा, पहले लेटर कैपिटल में, आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, और ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लास्ट में ये बंद कर देंगे। आपको जो ये कामा, इन्वर्टेड कामा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, कैपिटल लेटर हुआ, बस इसी को ध्यान में देना है, यही होता है पंक्चुएशन। और यदि आप ऐसे लिख के चले आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, पूरा टोटल दो नंबर टीचर देता है और फिर आपका अगले क्वेश्चन को चेक करने लगता है। जैसे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है डी वाला, ट्रांसलेट टू फॉलो इन टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इसको चेंज करना है, ठीक है, हिंदी में दिया है इंग्लिश में लिखना है। टोटल ये आपका चार नंबर का रहता है। देखिए हिंदी में दिया कि मैंने अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, गाड़ी प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय से चल दी। टोटल इसका इंग्लिश लिखते हैं, चार नंबर मिलेगा। देखिए इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए उसी तरह डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है और डी है तो डी इस तरह लिख लीजिएगा। और देखिए आंसर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे आई वांटेड टू गो लखनऊ विथ माई पेरेंट्स ऑन संडे, संडे को ऑन संडे हो जाएगा, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर वन, इस तरह देयर वॉज नो क्राउड इन ट्रेन, ठीक है, सो वी सेट, ठीक है, इजिली द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑन राइट टाइम, ठीक है, ये इसका इंग्लिश हो गया जाएगा। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा, जो हिंदी में दिया है इसका इंग्लिश इस प्रकार से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके बुक का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर आपको बताने वाले हैं, यह 25 नंबर का देखिए दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। ये टोटल दो क्वेश्चन इसमें रहेगा और टोटली 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला यहाँ पे है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लिखिएगा, या व्हाई वाज मिस्टर किसिंग ए टीचर एनवायर्ड विथ आथर, देखिए इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को यदि आंसर देते हैं टोटल 3 नंबर इस पर मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए है तो क्वेश्चन नंबर 25 ए लिखिएगा, आंसर लिखिएगा द गार्ड वाज सिंगल होप फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, बस इतना लिख देंगे इसका आंसर आपको पूरा 3 नंबर इस पर मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, या इसके अलावा इसका आंसर, इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है, जिसका आंसर आपको आ रहा है तो उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर आपको बता दें कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे। देखिए 25 का भी है ना, तो इस तरफ आप कॉपी पर लिखिएगा, देखिए कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का यहाँ पे डालिएगा बी वाला और इसका आंसर डालिएगा और यहाँ पे लिखिएगा जितना इसके बारे में पता है इसके बारे में इतना आपको लिखना है, ठीक है। आंसर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इसका आंसर कि मंडेला स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टाइम टू द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, ही बिकेम ए बोल्ड क्रिमिनल हु हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन टू वर्क फॉर हिज कंट्री, he could not do anything for his family after long years of struggle, the black african people became free and non-racial government was set up south africa, इतना लिखते हैं इसके बारे में। तो इस प्रश्न का आंसर यदि लिख दिया आपको एग्जामिनर देखेगा, बस तुरंत इस पे नंबर देके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा, ठीक है। बस आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखते समय कहीं पे काट पीट ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। देखिए आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा। यहाँ पर टोटली क्वेश्चन का रहेगा इसका चार नंबर मिल रहा है, इन दोनों क्वेश्चन में से जिसका आंसर आपको आएगा उसका आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड,
या वाई डिट लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इन दोनों में से जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर आप बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए 26 का आंसर आप बोर्ड के एग्जाम में अपने कॉपी पे कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का बी, यहाँ आप लिखेंगे आंसर, यहाँ लिखेंगे लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। आप बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप खुद जान रहे होंगे। द हेलस्टोन डिजायर्ड हिज क्रॉप कंप्लीटली, लेंचो एंड हिज फैमिली मेम्बर्स बिकेम वेरी सैड, ही टॉट डेट ईयर दे डिड नॉट हैव एनी क्रॉप सो दे हैड टू स्ट्रेव, बट लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही थॉट दैट गॉड डिड नॉट लेट देम हंगरी एंड इट वॉज ओनली गॉड हु कुड हेल्प देम, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, ही रिक्वेस्टेड गॉड टू स्पेंड हिम 100 पेसेस, दिस अमाउंट वॉज इनफ टू सॉ His field again and feed his family। ठीक है, तो इसके बारे में इस तरह आंसर लिखना था आपको कि जो लेंचो था गॉड को जो लेटर लिखा था उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा था, इसके बारे में अपने शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके बारे इसका आंसर स्वयं जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन 27 है कि व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर डैट डज ही पियोम टेल योर अबाउट अमांडा। टोटल 3 नंबर का है, ये आंसर आ रहा है यानी अमांडा के बारे में अपने शब्दों में पोएम में क्या कहा गया इसको शब्दों में लिखना है, इसका आंसर आ रहा है। तो ठीक, अन्यथा आपको अथवा करके भी दिया रहता है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवेन इन क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको 4 लाइन का क्या करना रहेगा पोएम लिखना रहेगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप इससे बढ़िया है कि आप 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिएगा, आप पोएम को लिख दीजिएगा, टोटल 3 नंबर का 3 नंबर उसमें मिल जाएगा। देखिए आपको लिखना कैसे आपको बताते हैं इसका भी आंसर। देखिए 27 का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और अथवा वाला कर रहे हैं तो ओआर डाल दीजिएगा, यहाँ पे लिखे आंसर, यहाँ पे पोएम डाल लीजिएगा। देखिए पोएम में 4 लाइन याद कर लीजिए, इसे ही याद कर लीजिए, यही लिख दीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक थ्री ट्री ना, तो इसको बस 4 लाइन लिख दिए बोर्ड के एग्जाम में, देखेगा तुरंत आपको क्या करेगा 3 नंबर इस प्रश्न पे 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं आपसे, अगला नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछा है। देखिए आपके सामने 28 नंबर का है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, देखिए एनी वन मतलब यहाँ पे 3 देगा, इन तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, किससे 40 से 50 वर्ड में, टोटल 3 नंबर इस पर मिलता है। देखिए डस्ट ऑफ स्नो हुआ, टाइगर इंजू हुआ, द ट्रीज, इन तीनों में से किसी एक पर जिस पे आपको सेंट्रल आइडिया आ रहा होगा उस पे आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। चलिए आपको डस्ट ऑफ स्नो पे सेंट्रल आइडिया कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखा जाता है आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होगा यहाँ पे आपको कम से कम जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा तो कम से कम 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 28 आंसर लिखिएगा, आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग के तौर पर लिख दीजिएगा सेंट्रल आइडिया, ए वाला कर रहे हैं तो ए लिख दीजिएगा, किस पे लिख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो पे तो डस्ट ऑफ स्नो लिख दीजिएगा। अब इसके नीचे इसका सेंट्रल आइडिया देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, द पोएट एप्रिसिएटेड द ब्यूटीफुल ऑफ द, लिखेंगे स्नो फ्लॉक्स विच चेंज हिज मूड एंड सेव मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, द क्रो सेव्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, द सेम वे वन कैन सेव ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट, यानी कि ये होता है सेंट्रल आइडिया, 2-3-4-5-6 लाइन को होता है, इस तरह आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, आपके अगला नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है 29 का, एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड, टोटल कितने नंबर का रहेगा 3 नंबर का, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए लिखा है बी, जैसे आपसे पूछेगा वाई वाज मिस्टर पम्फ्री रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, या हाउ डिड, ठीक है, मी लॉयसेल लुक व्हेन सी
टू पार्ट इन द बाग। इन दोनों में से जिसका आंसर आपको आ रहा है इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आपको एक आंसर बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला सेंट्रल आइडिया आपका कंप्लीट हुआ तो कम से कम 3-4 लाइन छोड़ के ही इसका आंसर लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए, यहाँ पे लिखिएगा आंसर मिसेज पम्फरी यूज टू कॉल मोर देन 12 टाइम ए डे टू इंक्वायरी अबाउट ट्रिकी। ये इसका आंसर है, बस इसका आंसर दे देंगे, इस पर तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपसे देखिए अगला नंबर का, इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना था, एक प्रश्न को आपको छोड़ना रहता है। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में देना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता है, उसमें से किसी, देखिए यहाँ पे वन लिखा रहेगा, वन का मतलब एक होता है कि दो क्वेश्चन में से एक का ही आंसर आपको देना है। टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विथ अनिल, यानी कि अनिल के साथ ने जो चोर था क्यों दोस्ती बनाया। इसके अगला है कि वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन डैट वाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। इन दोनों में से जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आपको ए वाला आंसर, ए प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 30 ए डालेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर थीप बिकेम फ्रेंड ऑफ अनिल बिकॉज ही थॉट डैट इफ ही बिकम क्लोज टू हिम अनिल वुड से हिम एवरीथिंग इवन ही वुड से अबाउट द प्लेस वेयर ही कीप्स मनी ही स्टोल अनिल्स मनी बट केम बैक बिकॉज ही फेल्ट सैड डैट ही ट्रस्टेड हिम ही वाज टीचिंग हिम हाउ टू रोट हाउ टू कुक ईटीसी। ठीक है, फिर यहाँ पे कि ही वुड बी सैड बाई थिंकिंग डैट थीप broke his trust so he came back and kept Anil's money। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, टोटल इस पर 4 नंबर आपको मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक पूरा इंग्लिश का जितना भी वायरल क्वेश्चन है 2024 में आप सभी को इससे मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्च के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखिए समझाते समय लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, और जो ट्रिक आपको साथ में बताते रहते हैं उस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपका एक नंबर भी नहीं कटता है। आप इतना 100% आप गारंटी आपको देते हैं, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से प्रत्येक जो वायरल पेपर है सभी का डिटेल में आप सभी को सॉल्यूशन करा रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो। तो आप पूरे पेपर को आप देखा कीजिए, अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी पेपरों को हल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।